Hello friends, welcome to Sushma's Craft and Creation channel. Friends, आज मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी सिखा रही हूँ और ये करनी इतनी आसान है कि जिसको कोई भी स्टिच नहीं आता वो ये एम्ब्रॉयडरी कर सकता है। आपको सिर्फ नीडल में थ्रेड डालना आना चाहिए और आपने एंकर की गुच्छियाँ लेनी है। डिज़ाइन के लिए भी ये बहुत आसान तरीका है कि आपको इसको कैसे ड्रॉ करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें मोटिव्स कैसे ड्रॉ करना है और उस पर वर्क कैसे करना है। ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चूज़ करना होता है। एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स जो हैं वो फ्लावर्स में हम अगर फील करेंगे तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। उस स्टिच के नाम पर सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेज हैं जो कि आप सबको डालने आते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ड्रॉ करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, जस्ट कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं। ये देखें, पत्तियों के लिए मैं यूं ऐसे 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 कुछ ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और फ्लावर्स के लिए मैंने सोचा कि इस पॉइंट पे मेरे को फ्लावर चाहिए तो मैं इसको जिगजैग तरीके से अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, और शेडिंग के लिए बीच में थोड़ा सा ये ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। जब आप एक बारी बनाना शुरू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये फ्लावर जो हैं वो कैसे बनाने हैं। पत्तियों के लिए जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कुछ पत्तियाँ स्क्रिबल कर सकती हूँ। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कुछ एक फ्लावर्स, और इसी तरीके से आप ऐसे इधर को भी यूं ही कुछ आप स्क्रिबल कर लीजिए स्ट्रेट लाइंस, ताकि हम यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ बना सके, ठीक जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे इसको। मैंने इसके लिए बड़े वाइब्रेंट कलर चूज़ करे हैं और शेड्स लिए हैं हर कलर के, और इनको मैं 6 की 6 स्ट्रैंड यूज़ करूँगी। मान लो मेरे को ये वाला फ्लावर बनाना है तो इसके लिए मैं 6 स्ट्रैंड्स लूँगी। ये देखिए, एक ऐसी नीडल चूज करूंगी जिसकी आई थोड़ी बिग हो और उसमें थ्रेड इजीली पास हो जाए। अब मैं इसको गांठ लगा के यहां से वर्क करना शुरू करूंगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लगाने, और उनका कोई भी स्टाइल नहीं है लगाने का। आप थोड़े छोटे थोड़े बड़े यूं स्टिचेस लेते जाएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे आपने जिगजैग पेटल्स बनाई हैं उसी तरीके से आप स्टिच लेंगे। ये देखिए, बहुत इजीली एम्ब्रॉयडरी हो जाती है और बहुत फास्ट होती है। बस आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि हर पेटल की डायरेक्शन सेंटर के इस तरफ होनी चाहिए। ऐसी एम्ब्रॉयडरी हमेशा थिक क्लॉथ के ऊपर ज़्यादा सुंदर लगती है, जैसे कि जीन्स पे, केसमेंट्स पे, और आपने कुशंस बनाने हैं जैसे खद्दर के केसमेंट के या कॉटन केसमेंट के, उनके ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। जैसे बच्चे आजकल जीन्स पे, पैंट्स की पॉकेट्स पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। देखें, इसमें कुछ भी ज्यादा आपने नहीं सोचना, सिर्फ आपने स्ट्रेट स्टिचेस लेने। स्ट्रेट स्टिच लेने सबको आते हैं। ये देखें, मैंने कोई भी इसमें और स्टिच नहीं यूज किया है, सिर्फ स्ट्रेट स्टिच के ही से ही ये पूरी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। बस इसमें हम शेडिंग का ध्यान रखेंगे कि शेडिंग हमें बहुत अच्छी करनी है ताकि इफेक्ट अच्छा आए। तो ये देखें किस तरीके से ये पेटल्स बन रही हैं। अब इनके बीच में हम लाइटर कलर से शेडिंग भी करेंगे, हम पूरी राउंड को ऐसे फिनिश कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने ये डार्क मेजेंटा कलर फ्लावर में फिल कर लिया। अब हम सेकेंड कलर लेंगे इसका शेड थोड़ा लाइटर कलर। अब इसके साथ भी हम सेम इसी तरीके से शेडिंग करेंगे जिस तरीके से हमने पहली लाइन भरी है। इसमें भी हम स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे, सारे स्टिचेस को हम सेंटर की तरफ पॉइंट करेंगे। हम इसको सेंटर मानेंगे इस एरिया को, हम सारे कलर यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो ये देखिए शेडिंग करने का भी बहुत इजी तरीका है। यहां पे आपको गैप दिखता है, वहां पे आपने स्टिच लेना है, उस स्टिच को आपने सेंटर की तरफ पॉइंट करना है। बहुत इजी है, बड़ा फास्ट बनता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरीके से हम इस फ्लावर में शेडिंग कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है कि इसको कैसे वर्क किया जा रहा है। हम सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस से ही ये पूरा फ्लावर फिल करेंगे, कोई भी और स्टिच यूज नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने ये सेकेंड कलर भी फिल कर लिया। अब हम थर्ड कलर के लिए दोबारा से वर्क करेंगे। अब हमने इस एरिया को सेंटर मारना है, इसको इस पॉइंट को यहां पे नहीं करना, इसको हमने बेस की तरफ इसको सेंटर मारना है। तो सारे स्टिचेस जो हैं वो हमने इस लाइन पे खत्म करने हैं। तो हम इसको ऐसे वर्क करेंगे। कुछ छोटे स्टिचेस लेंगे, कुछ बड़े लेंगे, ताकि हम इन सारे स्टिचेस को यहाँ पे फिनिश कर सकें। क्योंकि 6 टैंड से वर्क कर रहे हैं तो इफेक्ट जो है वो बड़ा बोल्ड और ब्यूटीफुल आता है। जो बीच में गैप रह जाता है उसको हम पीछे ले जाके निडल से फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पोर्शन भी हमारा स्ट्रेट स्टिच से फिनिश हो। अब मैं आपको ये पेटल्स बनाना सिखाऊंगी, स्टेम्स बनाई हैं ये किस तरीके से बनानी। अब हम ग्रीन स्टेम्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रही हैं ये एक लाइन है, इसके दोनों तरफ हम कुछ स्टिचेस लगाएंगे और इनको शेड भी करेंगे। इसी तरीके से ये लाइन है, इसके भी दोनों तरफ हम यूं ही वर्क करेंगे। जैसे हमने ये स्टिच ले लिया, अब इस पेटल के बीच में फ्लावर्स बनाने हैं इसलिए हम इधर से और एक स्टिच लेंगे। कुछ हम डार्क लाइट ग्रीन कलर के साथ भी वर्क करेंगे क्योंकि हमें स्टेम्स में भी शेडिंग देनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपने एक आउटलाइनिंग बना लेनी है जिसके साथ साथ वर्क करना है।
तो इतना हम डार्क ग्रीन कलर के साथ पोर्शन फिल कर लेंगे। बाकी शेडिंग हम लाइट ग्रीन कलर के साथ करेंगे। अब हम लाइट ग्रीन के साथ कुछ स्टिचेस लगाएंगे। ये देखें, जैसे कि ये हमारी स्टेम है, हम इसके दोनों तरफ अब लाइट कलर के साथ कुछ स्टिचेस लेंगे। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने कहाँ पे स्टिच लेना है, आपने जस्ट शेड देखना है कि आपको लगे कि यहाँ पे हम स्टिच ले सकते हैं तो आपने उसको लेना है। इसी तरीके से हम इस तरफ भी स्टिचेस लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो स्ट्रेट स्टिच के साथ कर रही हूँ। ये देखने में बहुत आसान है और बनानी भी उतनी ही आसान। अब हम इस तरफ भी ऐसे ही स्टिचेस लेके यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कुछ स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे। अब देखें, जिस तरीके से हमने ये फ्लावर स्ट्रेट स्टिच से भरे हैं उसी तरीके से हम ये छोटे बर्ड्स भी भरेंगे। तो इनको भरने के लिए भी हमने स्ट्रेट स्टिच का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, और शेडिंग के लिए हम सेकंड कलर चूज करेंगे। पहले हम कुछ स्टिचेस लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम शेडिंग के लिए डिफरेंट कलर यूज करेंगे। पहले हम छोटे स्टिचेस लेंगे इसके बीच में, इसके बाहर हम लाइटर कलर से और स्टिचेस लगाएंगे ताकि ये शेडेड सी बर्ड दिखाई दे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी कुछ फ्लावर्स बनाएंगे। आप देख रहे हैं, कुछ भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं और आपकी इमेजिनेशन है कि आप इन स्टिचेस को कैसे लगाते हैं ताकि वो देखने में ब्यूटीफुल लगे। अब हम इनके बीच में सेकेंड कलर लगाएंगे। तो ये देखें कैसे ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे रहे हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्ट्रेट स्टिच के साथ ही कितना बढ़िया मोटिव बना के रेडी कर लिया है। बहुत इजी है, आप जैसे देख ही रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस लिए गए हैं, कोई भी और स्टिच हमने यूज नहीं किया है और ये बन के कितना अच्छा उभर के आया है। तो ऐसे मोटिव्स आप अपने वॉल डेकोर्स के लिए या आप अपनी जीन्स पे, जैकेट्स पे, कहीं पे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। देखने में जितना इंट्रिकेट लग रहा है, बनाना उतना ही आसान। आपने देख ही लिया होगा कि मैं कैसे स्ट्रेट स्टिचेस लेती हूँ तो ये एम्ब्रॉयडरी कितने अच्छे तरीके से उभर के रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कोई भी स्टिच नहीं आता है, सिर्फ स्ट्रेट स्टिच आता है, तो आप देखिए इतना सुंदर मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।